आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार देश की अगली पीढ़ी को फाइनेंशियली मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल कर रही है और उसी के अंतर्गत बच्चों के लिए पेंशन अकाउंट खोला जा सकेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत कर दी है। क्या है खासियत इस योजना की, हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हैं। अमरीश, एनपीएस वात्सल्य मतलब बच्चों के लिए लंबी अवधि की एक सुरक्षित स्कीम, क्या है इसकी खासियत? देखिए, अगर हम पूरी स्कीम की बात करें तो स्कीम इस तरह से है कि पेरेंट्स को भी लाभ देगी और उनके बच्चों को भी लाभ देगी। एक जनरेशन टू जनरेशन एक पूरा सिस्टम उनके लिए संचय का, सेविंग का सिस्टम बना के रखेगी। इसके साथ ही जिस तरह से बच्चा, अगर आपका इनबॉर्न बच्चा है, आज से बच्चा पैदा हुआ है और 18 साल की उम्र तक यानी कि वयस्क होने तक ये योजना वात्सल्य के नाम से कंटिन्यू होगी और उसके बाद उसके युवा होने पर, उसकी नौकरी पर ये उसके एक एनपीएस अकाउंट की तरह काम करना शुरू कर देगी। तो एक एनपीएस अकाउंट वो होता है जब हम नौकरी में शुरू करते हैं और उसके बाद ये योजना आगे बढ़ती है, उसमें जो कॉर्पस होता है वो उस नौकरी की अवधि का होता है। लेकिन अवधि में अगर हम ये देखें तो बचपन से लेकर जो 18 साल का जो एडिशन है और उस दौरान जो मार्केट रिलेटेड बेनिफिट्स हैं उससे अगर देखेंगे तो एक बड़ा कॉर्पस उस बच्चे के नाम पर एक बड़ी निधि जो है शामिल होगी और जिसका कि लाभ पेरेंट्स को मिलेगा, ताकि वो उससे जो रिलेटेड टैक्सेशन की जो डिस्काउंट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ उस बच्चे के लिए एक बड़ा कॉर्पस इस नाम पर उसके साथ संबल हो जाएगा जो कि उसको एक बड़ा बेनिफिट देगा उस पूरी योजना के दौरान। तो हम इसको देख सकते एक बड़ी पहल है एनपीएस वात्सल्य के नाम पर सरकार की, जो कोशिश जो सरकार की ये है कि कंट्रीब्यूशन जो पेंशन के स्कीम की तरफ से सरकार का उसको बढ़ाए, साथ साथ इस तरह के तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ भी उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को मिलता रहे और एक बड़ा कॉर्पस उनके नाम पर इस योजना के तहत शुरू किया जा सके। जी, तो सालाना 1000 रुपए का न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। ये पेंशन योजना बच्चों के लिए यहाँ पर शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ये एनपीएस वात्सल्य के नाम से होगी। अमरीश, आपने इस पर पूरी जानकारी दी, धन्यवाद करेंगे। और आपको बताएं कि जिस तरीके से